स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 111 111 में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में एंड ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव अचीव कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड मेरी इस प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी फैमिली का हिस्सा बने हो आप। आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, आपको लेकर करंट फीलिंग्स वो क्या हो सकती हैं आपके बारे में, या इस रिलेशन को लेकर वो क्या सोचते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो चलिए चेक करते हैं। रीडिंग जर्नल है थीथा पर, आपने ध्यान नहीं देना है वीडियो के साथ। आपको एंड तक बने रहने के लिए प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, लेकिन वीडियो को आपने देखना है एंड तक, ठीक है। तो आज मैंने सोचा है कि आज मैं थोड़ी सी आपकी एनर्जी चेक करने वाली हूँ कि आप किस एनर्जी में हो या आपकी एनर्जी इस समय की क्या चल रही है, ठीक है। तो चलें देखते हैं। तो यूनिवर्स कीजिए कार्ड्स और बताइए कि इस समय मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी अभी इस वक्त की एनर्जी किस तरह की है। वीडियो अगर आप तक पहुंची है तो ये आपके लिए उस समय का मैसेज हो सकता है। थीथा पर भी आपने ध्यान नहीं देना है, ओके। एनर्जीज आपके साथ मैच करती हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है जी। चलें देखते हैं कि आपके कौन से कार्ड्स हमें यूनिवर्स देते हैं। देखते हैं, ओके। पहला कार्ड ही डेथ का आया है, ये आपकी एनर्जी आ गई है। एट ऑफ पेंटिकल, आपकी अभी इस समय की सिचुएशन काफ़ी पेनफुल है। आप बहुत पेन में हो, काफ़ी दुआओं में अपने पार्टनर को मांगते हुए नज़र आ रहे हो। आपको इस रिलेशन में बहुत दर्द मिला है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल के आप क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आ गए हो। मींस कि पहले जो आप लविंग हुआ करते थे, हर किसी की केयर किया करते थे, लेकिन आपकी एनर्जी में यहाँ मैं एक चेंज देख रही हूँ कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो। अब आप में बहुत चेंज आ गया है। आप बहुत सोचते हो किसी पे भी ट्रस्ट करने से पहले, किसी को भी अपनी लाइफ में लेके आने से पहले। आपकी सोच में, आपकी पर्सनालिटी में यहाँ मुझे एक चेंज आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही हमारा डेथ कार्ड आया है, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं। ओल्ड जोडियक साइन रहेंगे, बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ कप्स, ओके। जिस पार्टनर के लिए आप ये रीडिंग देखने वाले हो, आप अपने किसी ट्विन के साथ डील करते हुए नज़र आ रहे हो। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं, ठीक है। वेट, ओके। तो यहाँ मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है कि जिस पर्सन को सोचते हुए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस व्यक्ति के लिए आप बहुत रोए हो। काफ़ी अप्स एंड डाउन आपने अपनी लाइफ में देखे हैं। आपको अपनी लाइफ में चाहे लव हो, चाहे फाइनेंशियल पोजीशन हो, चाहे इमोशनली हो, आपने काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में देखा है। आपको चीज़ें इजीली नहीं मिली हैं, हर चीज़ आपको इस तरह से मिली है कि उसके लिए आपको बहुत सी दुआएं करनी पड़ी हैं, बहुत से एफर्ट्स डालने पड़े हैं। क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये शो कर रही है कि आपको हर एक चीज़ को पाने के लिए, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे आपकी स्टडी हो, चाहे आपका प्यार हो, हर चीज़ में आपको अपनी हद से ज़्यादा आपने एफर्ट्स किए हैं, तब कहीं जाके आपने उस चीज़ को अचीव किया है। यहाँ पे जो मुझे साइन मेन दिखाई दे रहे हैं वो हो सकते हैं स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, वर्गो, लिब्रा, जेमिनी, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस एंड एरिस। हाँ ठीक है, एरिस मैं बोल चुकी हूँ। तो ये साइन आपके हो सकते हैं। अगर आप में से किसी का साइन नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रीडिंग आपकी नहीं है, एनर्जीज आपके साथ मैच करनी चाहिए। चले बात करते हैं आपकी लाइफ में। यहाँ मैं काफ़ी स्ट्रगल देख रही हूँ, काफ़ी स्ट्रगल दिख रहा है, चाहे आपकी लव लाइफ रही हो या ओवरऑल आपकी लाइफ की बात करें तो यहाँ मुझे आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल दिख रहा है। कुछ भी चीज़ आपको इजीली नहीं मिली है। ये नहीं है कि बोलते हैं ना कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुई है या पैदा हुआ है, ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ में, हर एक चीज़ को पाने के लिए आपने बहुत एफर्ट्स करे हैं, तब कहीं जाकर आपको वो चीज़ मिली है। सेम यहाँ पर मुझे यही नज़र आ रहा है आपकी लव लाइफ में भी। जिस व्यक्ति से आपने प्यार
प्यार किया है उससे आपको बहुत पेन मिला है, बहुत दर्द में रहे हो, उस व्यक्ति ने आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा है। इस रिश्ते में आपको काफ़ी इनसिक्योरिटी फील होती है, क्योंकि यहाँ मुझे जो मेन कारण आप दोनों में लग रहा है कि वो आपकी फीलिंग्स नहीं समझते हैं या आप उनको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हो। आप तो समझते हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में कम्युनिकेशन गैप बहुत रहा है। मतलब कि बातें आपने अपने दिल की उन तक पहुंचाना चाही हैं, लेकिन उन तक पहुंची नहीं है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति की तरफ से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला है, आपको काफ़ी इग्नोर किया गया है। आपने अपनी इस लव लाइफ में भी, इस रिलेशन में भी बहुत सारे एफर्ट्स करे हैं, लेकिन आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ है सिवाय वेटिंग के और इग्नोर करने के। यहाँ मैं देखूँ तो टू ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है यस, आप इस रिलेशन में हैंग्ड ही रहे हो। हमेशा आपको एक वेटिंग पोजीशन पे रखा गया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, आपको आप बेहतर जानते हो कि आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी कौन है। इनका लव पार्टनर है, इनका काम है, इनकी ईगो है, या कोई स्टेटस है, कास्ट है, रिलीजन है, कुछ भी जो आपके साथ मैच करता है आपने उसी चीज़ को लेना है, ठीक है। आपने अपने पर्सन के लिए बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी करी हैं। एक कॉल मैसेज के लिए भी मुझे आप यहाँ पर तरसते हुए दिखाई दे रहे हो। आप काफ़ी परेशान रहे हो, बहुत पेन से आप इस रिलेशन में जब से आए हो आपने इस रिलेशन में सिर्फ पेन ही देखा है। स्टार्टिंग में आपको बहुत प्यार दिया गया था, लेकिन झटके से आपको इस प्यार से दूर किया गया है, जो मुझे आपकी आज की एनर्जी में दिख रहा है। तो आप क्या हो गए हो, आप पहले क्वीन ऑफ कप्स थे, आपके दिल में बहुत प्यार था, आपको लगता था कि दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल गई हैं, इस बार मुझे ये खुशी यूनिवर्स की तरफ से मिली है, इस पर्सन की तरफ से मिली है। लेकिन धीरे 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 आप थ्री ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आए हो। आपका आपने हार्ट ब्रेक को फेस किया है, बहुत लंबे समय से आप अपने पर्सन की वेट करते दिख रहे होता ना, कि बंदा मतलब कि वेट करता करता जब थक जाता है तो एक ढीठ होता ना जो हो जाता है। आप सेम वैसी पोजीशन पे हो, अब आपको किसी चीज़ का असर नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से आप चाहते हो आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आपको आए, आपको वो क्लैरिटी दे कि आपको इस रिश्ते में उसने रखना है या निकाल देना है। मतलब यहाँ मुझे आपकी कुछ इस तरह से सिचुएशन दिखाई दे रही है। आप काफ़ी रोए हो इस रिलेशन में, काफ़ी रोए हो, बहुत पेन को फेस किया है, आपका कहीं मन नहीं लगता है। आपने इस व्यक्ति के लिए हर किसी को छोड़ा है, हर किसी को अपने से दूर किया है, और उसका नतीजा ये हुआ है कि ये व्यक्ति जब से आपको छोड़कर गया है आप बहुत अकेले पड़ गए हो। यहाँ पे भी परेशान हो, यहाँ पे भी अकेले बैठे हो और सोच रहे हो, एंड आप सोच रहे हो, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है, आपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि नहीं, अब बस मुझसे और नहीं होता है, बस आपको उनके वेट है तो उनके एक कॉल मैसेज का कि वो आए, आपको क्लैरिटी दे कि वो इस रिश्ते में आगे क्या करना चाहता है। इस समय आपके साथ कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ आप अपनी अपना दुख रो सको कि ये मुझे, मैं अंदर से इतनी पेन में हूँ, मैं अंदर से इतनी तकलीफ में हूँ, कोई भी मुझे आपके साथ इस समय दिखाई नहीं दे रहा है। आप अकेले ही दिमाग में इस लड़ाई को 24/7 आपके दिमाग में ये जंग चलती रहती है कि वो आएगा कि नहीं आएगा। आप बहुत सारी टैरो रीडिंग्स भी देखते हो, आपको एक पल लगता है कि यस, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस तरह लग रहा है कि आपका इस चीज़ से भी अब विश्वास उठना शुरू हो गया है कि आता तो है यहाँ पे आंसर कि वो आएगा, लेकिन वो आता नहीं है। मतलब आप अपनी ही सोच में उलझे रहते हो, बहुत अकेलापन, एक खालीपन आपकी लाइफ में मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। दुनिया के सामने आप दिखाते तो हो मैं बहुत बोल्ड हूँ, यहाँ चाहे क्वीन ऑफ सोर्ड हो चाहे किंग ऑफ सोर्ड हो, लेकिन अंदर से आप बहुत टूटे हुए हो, काफ़ी हार्ट ब्रेक और काफ़ी पेन को फेस करते हुए आप मुझे इस समय की एनर्जी मुझे आपकी ये दिख रही है, ठीक है। तो ये तो थी आपकी एनर्जी, अब हम चेक करेंगे आपके पर्सन की एनर्जी इस रिलेशन को लेकर क्या है। चले देखिए, तो लीजिए अपने पर्सन का नाम 3 बार। अगर आपकी एनर्जी अभी इस समय मैच हुई है आपके साथ, तो राइट, आपकी पर्सन की एनर्जी भी सेम ही निकल कर आएगी। तो अभी चेक कर लेते हैं। 3 of cups, ओके। आप अपने किसी ट्विन के साथ, 8 of wands, मैं यहाँ रखूँ? वाह, मैं अभी किंग ऑफ सोर्ड की बात ही कर रही थी, कपल कार्ड आया है।
आप दोनों का जो रिलेशन है वो डेस्टाइन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो, तो बहुत से ऑब्स्टेकल्स आपको आने वाले समय में अभी फेस करने हैं। वर्ल्ड कार्ड आया है तो ऑल जोडियक साइन रहेंगे इस रीडिंग में, ऑल जोडियक साइन 12 की 12 राशियाँ यहाँ पे हैं। मैं यहाँ कर देती हूँ, नहीं तो फिर वो मैसेज सा लगता है। 10 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओ माई गॉड, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो अभी इस समय। एस ऑफ वैंड्स, इस रिलेशन में आपके पर्सन की तरफ 3 ऑफ सोर्ड आप में भी आया था, 3 ऑफ सोर्ड आपके पर्सन में भी आया है, एंड ओ माई गॉड, लवर्स कार्ड। यस, डेफिनेटली आप अपने किसी ट्विन या आप अपने किसी सोलमेट के साथ डील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। तो यहाँ मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं उन्होंने इस रिलेशन में, पास्ट की बात करी जाए तो आपको इस रिलेशन में काफ़ी झूठ बोला है, काफ़ी चीटिंग दी है। स्टार्टिंग की अगर मैं बात बताऊं तो ये आपको लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे। आपका दिल तोड़ना, बार बार इस रिलेशन में आना जाना रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन इनमें भी निकल के आई है, तो थर्ड पार्टी जैसे मैंने बात करी थी कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके पार्टनर ने स्टार्टिंग में आपको सीरियसली नहीं लिया था, ये सबके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपको बेहतर पता है कि आपकी लाइफ में कैसा सीन रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सारे मैसेज रिसीव होते हैं, तो वो मैसेजेस के हिसाब से मैं आपको जो अभी फ़िलहाल की रीडिंग आती है वो मैं उसको बताती हूँ। तो यहाँ मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है, या तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, या आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए रीडिंग देख रहे हो, या आप किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हो, या फिर ऐसा भी लग रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। सेकंड, इस रिलेशन में आपको काफी चीट किया गया है, आपके पर्सन ने आपको स्टार्टिंग में, पास्ट की बात करें तो काफ़ी आपको आपको इस रिलेशन में झूठ बोला गया है, माइंड गेम्स भी खेलते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, काफ़ी स्टबन नेचर के हो सकते हैं, इनमें काफ़ी ईगो हो सकती है, घर में बड़े होने के कारण इन्होंने कई बार इस रिश्ते को छोड़ा है एंड फिर वापस आपकी लाइफ में आए हैं। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे ही आपने सोचा है कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए या मैं कितनी देर तक सफ़र करूँगी या करूँगा तो मुझे इसलिए अच्छा है कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ, लेकिन जैसे ही आपने मूव ऑन किया है आपके पर्सन एक न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ, एक न्यू प्यार के साथ, एक न्यू वर्जन के साथ आपके सामने आए हैं, ये फिर से आपकी लाइफ में आते हैं एंड फिर आपको इस पोजीशन पे छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि मे बी आप के अंदर एक हीलिंग, आपका ओरा ही ऐसा है, आप में आपके अंदर एक हीलिंग पावर हो सकती है। मे बी मेरे व्यूअर्स इस समय जो वीडियो देख रहे हैं वो डॉक्टर हो सकते हैं, कोई हीलर हो सकता है, कोई टैरो रीडर भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास जब भी ये लो फील करते रहे हैं अपनी लाइफ में, इन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा है, पेन देखी है, उस पेन को दूर करने के लिए ये आपके पास वापस आते रहे हैं एंड जैसे ही हील होते थे ये आपकी लाइफ से चले जाते थे। कुछ सीन मुझे इनका इस समय की एनर्जी में दिख रहा है। तो बात करें आपके पर्सन की, तो आपके पर्सन भी इस समय बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, आप अपने किसी सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ डील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। कुछ भी हो, इनके अंदर अब प्यार बढ़ा है आपको लेकर, ये आपको अभी इस समय की बात करूं क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक ही लवर्स कार्ड आया है, स्टार कार्ड आया है, अभी मैंने स्टार्टिंग में भी ये स्टार कार्ड देखा था, आपको लेकर ये काफ़ी सीरियस हो गए हैं। अब इनको ऐसे लग रहा है कि आपके साथ कुछ ऐसा रिश्ता है जिसको ये चाहकर भी तोड़ नहीं सकते हैं, जो मुझे इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। इनके अंदर भी एक चेंज आता हुआ दिख रहा है, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, इस रिलेशन में ग्रोथ भी चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के कारण ये इस रिलेशन में वापस नहीं आ रहे हैं, जो मुझे इनकी यहाँ पे समझ लो एक मजबूरी दिखाई दे रही है। ये आपको चाहते हैं लेकिन आप दोनों के बीच में यहाँ मुझे ऑब्स्टेकल्स भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये लवर्स कार्ड है एंड इन दोनों को यहाँ पे, इन दोनों के बीच में एक यहाँ पे एक माउंटेन दिखाई दे रहा है या ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहा है। तो हम दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आप में भी आई है, 3 ऑफ सोर्ड आप में भी आया है, 3 ऑफ सोर्ड इनकी एनर्जी में भी आया है। तो यस, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई ऐसी है जो बहुत मजबूती से खड़ी है, जिसको तोड़ना आपके पर्सन के लिए मुश्किल हो रहा है, बहुत भारी मन से ये आपसे दूर गए हैं, ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, पास में चाहे इन्होंने जो भी फुलिश अपनी हरकतें करी हैं, लेकिन अभी आपको लेकर ये काफ़ी सीरियस हो गए हैं। आपके
साथ कहीं ट्रिप पे जाना चाहते हैं। पहले जो मुझे आप दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप दिख रहा था, अब वो बहुत सी बातें ये आपके साथ करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे रिग्रेट भी दिखाई दे रहा है कि इनको बहुत रिग्रेट होता है कि इन्होंने किसी मासूम का दिल तोड़ा है या किसी के साथ झूठ बोला है। अगर ये आपके पास इस समय भी वापस आते हैं तो ये ज़्यादा देर नहीं ठहरेंगे, क्योंकि ये फिर से वापस चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत फील हो रही है। ये मतलब कुछ डिसीजन नहीं ले पाते हैं, घर में बड़े हो सकते हैं, फैमिली इशू मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, एक न्यू बिगनिंग के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनके अंदर भी मुझे पेन दिखाई दे रहा है, ये आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, अपने आप को बहुत मुश्किल से संभालते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मतलब इनका मन आपके बिना कहीं नहीं लगता है, इनको कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आपको एक क्वीन की तरह देखते हैं। थ्री ऑफ फ्रेंड्स आप में भी आया है, थ्री ऑफ फ्रेंड्स यहाँ भी आया है। तो यस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो सकता है आप दोनों में। 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ कुछ मंथ्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैन का मंथ हो सकता है, जून का मंथ हो सकता है, अक्टूबर का मंथ हो सकता है, दिसंबर का मंथ हो सकता है, मार्च का मंथ भी मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। इस समय आपके पर्सन भी सेम इसी सिचुएशन में है, आपसे बात नहीं हो रही है, जिसके कारण अभी अपनी फर्स्ट दूसरों पे उतारते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जो इस रिलेशन में इन्होंने पहले गिव एंड टेक नहीं किया था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, उस चीज़ का भी रिग्रेट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ इस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड आप में भी आया है, एस ऑफ सोर्ड यहाँ भी हमें दिखाई दे रहा है। तो न्यू बिगनिंग के साथ आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं ही पेन में हूँ, मैं ही दर्द में हूँ, तो माई डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, अगर आप किसी जर्नी में हो तो समझ लेना, आप जो भी सोचोगे सामने वाला पार्टनर भी आपके लिए वही सोचेगा, आप जो फील करोगे वही आपका पार्टनर फील करेगा। 2 जिस्म 1 जान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर भी इस समय बहुत पेन में है, लेकिन एक बहुत बड़ी मजबूरी मुझे जो बार बार निगाह जा रही है वो इस कार्ड पे जा रही है, 10 ऑफ वैंड्स की। तो कोई ना कोई बर्डन है इनके ऊपर जिसके कारण ये आप तक अभी तक अप्रोच नहीं कर रहे हैं। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी थी। तो इस समय आपके पार्टनर भी आपको बहुत मिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो जल्दी से नंबर्स एंड लेटर्स देख लेते हैं। अगर आपकी एनर्जी मैच हुई है तो समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा कि आपके पार्टनर की एनर्जी भी अभी इस समय की यही है, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं एंड आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। नंबर 9 है, 90 का बर्थ हो सकता है आपका। नंबर 6 है, टू नंबर है, 8 है, नंबर 5 है, नंबर 3 है, नंबर 1 है। 31 की एज आपकी हो सकती है। नंबर 1 फिर से आया है, हो सकता है कि इन दिनों आपको 1111 नंबर बहुत दिखता हो, एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपको 00 नंबर बहुत दिखता हो। यस, 111 नंबर यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। तो हो सकता है आपको 111 या 111 नंबर बहुत दिखता हो, जिसका मतलब है कि आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 3 नंबर आया है, 5 है, 4 है, 4 है, 8 है, 6 है, देख लीजिएगा अगर कुछ भी बनता है, 2 है, 7 है, 79 का आपका बर्थ हो सकता है। जून का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, देख लीजिएगा क्या बनता है। उनके बर्थ नंबर हो सकता है, बर्थ ईयर हो सकता है, या उनके कार का नंबर, उनके घर का नंबर, कुछ भी अगर बनता है तो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। ही हे
देख लीजिएगा, जी बना है, एफ है, वी है, पी है, एक्स आया है, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके नाम के अंदर पी हो सकता है, आपके नाम सॉरी आर है, आपके नाम के अंदर डी हो सकता है, ई हो सकता है, आपके नेम के अंदर, आपके पार्टनर के नेम के अंदर। यहाँ पे किंग तो आ गया है, देखते हैं क्वीन कहाँ है हमारी, ओ है, आपके नेम के अंदर भी ये आ गई हैं क्वीन। कपल आया है तो यस, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। टी है, बी है, एल है, आई होप आपको विजिबल है, यू है, जी आया है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आपने इस रीडिंग को लाइक करना है, शेयर करना है एंड चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो आज के लिए बस इतना ही, देख लीजिएगा अगर कुछ भी ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो को आपने क्लेम करते हुए वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे आप आए हो पहली बार तो इस चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत सारे प्यार के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।